हेलो दोस्तों, दिस इज मी अमन शर्मा बैक अगेन विद अ न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स DRL इंस्टॉलेशन इन किया सेल्टोस। तो इसका आप पहले एक ओवरव्यू देख लो, जो हेडलाइट का ओवरव्यू है एंड जो आपके पूरे गाड़ी के फ्रंट लुक का ओवरव्यू है। तो कुछ गाड़ी इस तरीके से लगती है एंड इसके टॉप वेरिएंट्स में जाते हो आप तो उसमें कुछ लाइट्स का इधर वाला पूरा सेटअप थोड़ा सा चेंज रहता है। इसी के साथ देखने में भाई बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी एंड आजकल इस गाड़ी का जो मतलब पूरा ओवरऑल लुक है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है एंड किया की तरफ से एक सोनेट भी लॉन्च होने वाली है, ये डीजल वेरियंट है। इसी के साथ यहाँ पर आपको नियो व्हील्स के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि भाई ब्लैक में है एंड सिल्वर वाली फिनिश में है। तो गाड़ी में भी थोड़ा सा ड्यूल टोन वाले कलर में आती है गाड़ी, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि ड्यूल टोन वाला टचअप ज़्यादातर देते हैं। एंड एक मॉडिफिकेशन के तौर पर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर से क्लियर आउट कराऊंगा कि ये चीज़ अगर आप अपने एलॉय व्हील्स में करवा ले तो मतलब जो ब्रेक कैलिपर उसको रेड वाला है कोई अलग कॉन्ट्रास्ट सा कलर तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है एंड इसका जो लुक आता है वो बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। जैसे कि ये आपका डिस्क है एंड ये आपका ब्रेक कैलिपर है तो देखने में रेड में बहुत अच्छा लगता है एंड जो लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इसकी जो क्वालिटी है भाई वो बहुत ही अच्छी है। इसके एलॉय व्हील्स का जो इंचेज है वो है 16 इंचेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ लुक मिलेगा एंड देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड अगर मैं आपको दूर से थोड़ा सा लुक चेकआउट कराऊँ तो दूर से कुछ इस तरीके का लुक आता है एंड देखने में पर्सनली भाई बहुत ही अच्छी लगती है गाड़ी। इसी के साथ बैक साइड में भी आपको ये डिस्क मिलता है। तो पीछे अगर आपका ड्रम है तो ड्रम में आप पूरा रेड करवा सकते हो। तो ये कुछ मैंने आपको मॉड बता दिया अपनी ओर से कि ये चीज़ आप करवा सकते हो। न्यू व्हील्स के एलॉय व्हील्स लगे हुए हैं इसमें एंड देखने में भाई पर्सनली बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड जो लुक आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंसिंग आ रहा है। इसी के साथ छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल करवा सकते हो, जैसे कि आपके डोर गार्ड्स हो गए वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ जो रूफ रेल थे, जो अगर आपकी गाड़ी में आपका जो रूफ रेल है वो अवेलेबल नहीं है तो रूफ रेल भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी के साथ हम चलते हैं जो हमने काम किया है DRL का। सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि DRL लगाते हैं हम तो कोई चोरी वगैरह वाला सीन तो नहीं होगा, कोई खींच के तो नहीं ले जाएगा इसे। तो मैं आपको आज ये ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ये देखो, ये है DRL जो हमने इसके अंदर लगाई है। ये आपका वेरिएंट जो है इसमें आपको जो ऊपर वाली जो पट्टी आती है वो GT लाइन वाले में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो हमने यहाँ पर जो है आपकी आफ्टर मार्केट वाली DRL लगाई है, देखने में आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। इसी के साथ मैं इसका ओवरव्यू लुक भी बता रहा हूँ आपको, ये देखो। पर आप देख सकते हो जो आपकी हेडलाइट यूनिट है इसके ऊपर हमने जो हमारी DRL है उसको इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर जो क्वालिटी है वो आप देखो, हमने पहली बात तो इसकी हेडलाइट जो होती है किया सेल्टोस में उसको डैमेज नहीं किया है। सबसे पहली काम तो आपको लगता है कि यार हेडलाइट हमारी डैमेज ना हो और हमारा मॉडिफिकेशन भी हो जाए, तो वो चीज़ हमने कर दी है। इसके बाद सेकंड चीज़ होता है स्नैच वगैरह कोई नहीं करे, तो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया है कि कोई भी नहीं खींच के ले जाएगा, क्योंकि जो बोनट के ऊपर की लाइनिंग आती है वो इसके ऊपर दब जाती है एंड जो इसका लुक आता है वो रात के वक्त बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। इसी के साथ यहाँ पर बैक साइड में ये 3M की जो टेपिंग रहती है तो इससे ये फिक्स हो जाता है, तो निकलने वगैरह का कोई चांसेस नहीं है एंड ये चीज़ एकदम से ख़राब भी नहीं होती क्योंकि ये बोनट के ऊपर ये पूरी लगा रहता है बोनट, तो इससे कोई पानी वगैरह तो डायरेक्ट इस पर इम्पैक्ट पानी का पड़ता नहीं है, तो इतनी जल्दी ये इजीली ख़राब भी नहीं होता है। इसी के बाद जो भी हमने काम किया है वो हमने कपलर्स की मदद से किया है। यहाँ पर आपको ये जो स्कॉच वाले कपलर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे एंड ये कुछ चीज़ें होती है। कंपनी वालों से भी अगर आपको पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हो कि हम स्कॉच कपलर्स का हमारा यूज़ करवा रहे हैं गाड़ी के अंदर तो उससे वारंटी लैप्स नहीं होगी, तो वो आपको बढ़िया वाला एक रिस्पॉन्स बता देंगे अपनी ओर से। तो आप कंपनी में बिल्कुल बेझिझक होकर कॉल कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लुक देखोगे तो भाई बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड जो परफेक्शन आ रही है वो बहुत ही बढ़िया आ रही है। एजेस तक आप देखोगे तो काम बहुत ही परफेक्ट हुआ है एंड परफेक्ट फिनिश के साथ आपको यहाँ पर सफाई भी देखने को मिलेगी। काम ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ हो गया है, बुरा सा लग रहा है, बहुत ही डिसेंट तरीके का काम हुआ है एंड देखने में आप देखोगे तो बिल्कुल जो पट्टी आ रही है वो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है एंड बहुत ही शानदार लग रही है। इसका आप रिस्पॉन्स देखो, जैसे ही गाड़ी का हम जो इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको व्हाइट लाइट इसमें जलती हुई देखने को मिलेंगी कुछ एनिमेशन के साथ, ये देख सकते हो आप, जो कि देखने में भाई बहुत ही अच्छी लगती है। इसका जो ओवरव्यू आता है बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ जब आप इंडिकेटर पर स्विच करते हो तो इंडिकेटर पर ये कुछ फ्लोटिंग वाले टाइप में ये पूरी जो है अपनी ब्लिंक करती है, तो देखने में बहुत ही बढ़िया लुक आता है एंड जो लुक आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है देख सकते हो आप एंड इसका ओवरऑल व्यू जो होता है वो बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है। इसी के साथ इस साइड अगर हम करें तो ये देख सकते हो आप, ये आपका इंडिकेटर्स कितने प्यारे लग रहे हैं एंड देखने में बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। ये आपका जो कंपनी देती है इंडिकेटर वो है एंड ये जो आपका फ्लोटिंग इंडिकेटर है, तो देखने में वो टॉप वाली जो टॉप मॉडल होता है वो वाली फीलिंग हमें देखने को पूरी तरीके से मिल जाती है। यहाँ पर आप एनिमेशन देखोगे जब ये स्टार्ट होता है
तो ये देखो, ये जो एनिमेशन आती है देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। इनको जिस तरीके से ये स्टार्ट होता है तो देखने में पर्सनली बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है एंड ओवरऑल जो व्यू आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ जब इंडिकेटर्स पे ये स्विच होता है तो कुछ फ्लोटिंग वाले टाइप में, एंड यहाँ पर देखो जो आपकी लुक आती है वो बहुत ही अच्छी लगती है एंड एक डिसेंट लुक गाड़ी को और ज़्यादा इन्हेंस करता है। एंड जो आपका काम हुआ है वो एकदम परफेक्शन के साथ हुआ है, एकदम बढ़िया वाला ऐसा लुक आपको देखने में लगेगा। एंड चीज़ आप देख सकते हो जो हो रहा है फ्लोटिंग वाला लुक, तो कितना प्यारा आ रहा है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो में एंड टू एंड बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से मिली होगी। अगर आपको इसको भोपाल के अंदर लगवाना है तो आप आ सकते हैं स्टार कार डेकर पर, एंड अगर आपको इसको ऑनलाइन परचेस करना है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं सारी आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल यूजर में आपको नजर आ जाएगा एंड लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आई होप आपको वीडियो में एंड टू एंड आपको बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन मेरी ओर से मिली होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो करना, लाइक वीडियो करना, शेयर कमेंट करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।